ये कुछ पुराने समय का पिस्टन हथियार वतियार हैं जो चलते थे पहले। बहादुर शाह जफर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं लाल किले और वहाँ पे जाएंगे, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में किस तरीके से कैसा है वहाँ। पुराने टाइम के राजा महाराजा रहते थे वहाँ से, हमें दिखाएंगे। और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त हो रहा है, उसको भी जरा पकड़ेंगे यहाँ से। तो गाइस, हम आ गए मेट्रो स्टेशन और यहाँ से जाएंगे मेट्रो से। ये रहे मेरे दोस्त, इनके साथ में जाना है। फाइनली गाइस, आ गए हम लाल किला। अभी यहाँ से टिकट मिली, टिकट विकेट लेंगे चल के यहाँ की। जो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो फाइनली गाइस, टिकट ले ली हमने। 80 रुपये का टिकट है एक बंदे का, और 2 टिकट लिए हमने यहाँ के। तो यहाँ पे सीधे एंटर होने के बाद जस्ट मार्केट लगी हुई है ये। तो हमें यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग तो करनी नहीं है, सीधे हम घूमना है, वैसे घूमेंगे चल के। खूब बढ़िया करके जिसे बनाया गया सामने, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो फुहारे से हैं, ये इसमें तो पानी से चलता था, अब तो होता भी नहीं होगा। ये सामने बीच में लग रहा है, ये इस पे भी पानी चलता था। गाइस, काफी बढ़िया तरीके से बना रखा है ये। पुराने टाइम के राजा वाजा रहते थे यहाँ पे। काफ़ी कुछ हिस्ट्री जानकारी मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे मुग़लों के बारे में। शाहजहाँ के थ्रू बनवाया गया था, वही शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया था आगरा में। यार एक चीज़ समझ में नहीं आती, यहाँ पे जब भी आओ ये ऐसी जगह जाने के नहीं देते, पता नहीं क्यों ये बंद कर रखा है यहाँ पे ये लगा के। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, जिससे बने हैं, आम पत्थर नहीं है। दीवाने खास इस कल्लो को देखो। हम जैसों के लिए बंद कर दिया जाने के लिए। अब कलाकारी तो खूब करी गई भाई बनाने में से, सही में। चारों ये पिलर से खड़े कर रखे हैं ऊपर, 2 इधर है, 2 उसके पीछे है, 2 इधर 2 उधर है ना, देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में एक एक करके। ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ जैसी जो चल ले गए बंद कर रखे हैं, मतलब बंद करके दूर से देख सकते हो, बाहर से ऊपर चढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर रखा वो उन्होंने। आओ इस कमरे में देखेंगे चले क्या है इसमें, बिल्डिंग में तो देखते हैं इस कमरे में चल के क्या है यहाँ पे। कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ पुराने अखबार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान, आजाद सिंह फौजी के सैनिक का पहचान पत्र है। आजाद सिंह फौजी के तमगे और पदक, ये हैं वो कुछ
ऐसे हुआ कर उस टाइम के नोट 1944 के टाइम के उठाने का था, जिनकी कीमत लाखों में हुई है ना। आजाद सिंह फौजी के मेजर और कप्तान के कंधे पर लगाए जाने वाले बैच पुरानी इतिहासी जानकारी थी वहाँ पे, कुछ चीज़ें भी थी पुराने टाइम की, कुछ पैसे भी थे भी देखते हैं और कुछ भी देखते हैं। अंदर आ गए तो सब कुछ देखते हैं यहाँ पे अंदर और सब कुछ जो था। ये कुछ स्क्रीन चल रही है यहाँ पे, कैमरे भी लगे हुए हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तू थोड़ा सा लाल लाल हो रहे इसके है। यहाँ पे कैंटीन हैगी, अगर कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे अंदर आके ले सकते हैं यहाँ पे कुछ भी सामान। किसी टाइम में ये सब ऊंचे ऊंचे हुआ करते होंगे, आज आधे आधे धस गए नीचे। अंदर कमरे में घुसा पड़ा, पता नहीं क्या कर रहा है शायद। बाकी अकेले तो बोर होंगे ही होंगे तुम यहाँ पे, जैसे ये भाई मेरे साथ में भी हैं पर बोर हो रहे हैं। ये बोर इसलिए हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अकेले लगे पड़े। तीर निकलते थे इन बीचों में, छेद जो हो रहे हैं ना ये, इनमें सैनिक खड़ा हुआ करते होंगे। तोड़ लिया ये तोप है पुराने टाइम की, तोपे हुआ करती थी इस टाइप की, कुछ हुआ करती थी तोप। क्रांति की यही ज्वाला 1947 तक क्रांतिकारियों को राह दिखाती थी। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हिंदू मुसलमान एक साथ उठ खड़े हुए, इसने बंगाल में क्रांति की वह लहर पैदा की जिसका सब वही चीज़ें मिलेंगी तुम्हें आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद की चीज़ें यहाँ पे। कुछ ज़्यादा तुम सोचोगे इंजॉय करने का तो बस ये इंजॉय, और इससे बड़ा इंजॉय क्या है यार। पुरानी चीज़ें जानकारी मिले, पुराना इतिहास जानकारी के लिए मिले। दिखाओ इनको टिकट अपनी 1857 बहादुर शाह जफर। ये जो देख रहे हैं आप, ये कुछ पुराने समय का पिस्टन हथियार वतियार हैं जो चलते थे पहले, जो कितनी खतरनाक खतरनाक बंदूक हैं। आज के टाइम में तो ऐसे मिलेंगी भी नहीं बंदूक है। चाकू देखो कितना पेन है चाकू है। बहादुर शाह जफर काफ़ी थक गए यार यहाँ पे घूमते घूमते, लिए फिलहाल काफ़ी हद से ज़्यादा घूम लिया और बाकी देखते हैं अभी। और इनको बस क्या बोलते हैं यार उसको, अनार दिखा दूँ इन्हें, अनार तोड़ेंगे ये बस, उसके बाद फिर सीधे चल रहे हैं देखते जल के। और पहले इन्हें भाई को अनार बनार तोड़वाते हैं, यहाँ से खाएंगे ये अनार, खाएंगे चल के। ये अनार के हैं पेड़, ये जितने भी ये बराबर से लगे पड़े हैं यहाँ पे, ये सब अनार के पेड़ हैं। ये देखो शायद अनार भी एक आध लग रहा हो कभी किसी पे। कहाँ है? हाँ ये रहे, ये छोटे छोटे से अनार हैं, बोलो ये लग रहा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा घूम लिए यहाँ पे, पूरा घूम लिए यहाँ पे और काफ़ी अच्छे से भी घूम लिया, सब कुछ देख लिया। बाकी आप आना चाहो तो आ जाओ यहाँ पे, पुराना कुछ हिस्ट्री चीज़ें तुम्हें पढ़ने को देखने को मिल जाएंगी, कुछ फोटो तस्वीरें और पढ़ने को भी कुछ मिल जाएगा तुम्हें काफ़ी यहाँ पे, पुराना पुराना इतिहास आज़ादी से पहले का, आज़ादी से बाद तक का सब कुछ मिल जाएगा। और इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मस्त मस्त आइटमेश।